और इसी बीच ये तस्वीरें आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। बीआरटीएस हटाने की कार्य योजना तैयार हो चुकी है। इन सड़कों में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 18 करोड़ की लागत से बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़े जाएंगे। नए रोड मैप के मुताबिक होशंगाबाद रोड 6 लेन की लेन ही बनेगी। अब यहां बने साइकिल ट्रैक पर बाइक भी चलेंगी। भोपाल बीआरटीएस कॉरिडोर मामले में सीएम मोहन यादव के संज्ञान लेने के बाद अब इस कॉरिडोर को तोड़ने की जो पूरी रूपरेखा है, प्लानिंग है, वो हो चुकी है। कार्य योजना तैयार हो गई है और जल्द ही इस कॉरिडोर को हटाने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी, ताकि राजधानी भोपाल का ट्रैफिक दुरुस्त हो सके। 18 करोड़ की लागत से बीआरटीएस के जो कॉरिडोर हैं उनको तोड़ा जाएगा। होशंगाबाद रोड 6 लेन होगी। यहां बने साइकिल ट्रैक पर बाइक भी आने वाले समय में चला सकेंगे। वहीं जो बस स्टॉप है उनको भी रिलोकेट किया जाएगा। मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। बीआरटीएस हटने के बाद सड़कें बदले हुए स्वरूप में नजर आएंगी। रोशनपुरा से कमला पार्क डेडिकेटेड कॉरिडोर हटाया जाएगा और मिक्स्ड वाहनों के लिए 3 लाइन सड़क सेंट्रल वर्ज बनाया जाएगा। इस पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी। वहीं कलेक्ट्रेट से लाल घाटी मार्ग इस सेक्शन की लंबाई 1.5 किलोमीटर के स्थान पर डेडिकेटेड जो कॉरिडोर है उसको हटाया जाएगा और सामान्य वाहनों के लिए दोनों तरफ 3-3 लाइन जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इस पे भी करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के संबंध में दिशा निर्देश जो हैं वो पिछले सप्ताह दिए गए थे और अब ये जो पूरी कार्य योजना है वो बनकर तैयार हो गई है। ये बताया जा रहा है कि कॉरिडोर के हटने के बाद भोपाल में यातायात और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।